बहुत बदला है आपकी लाइफ में कार्तिक आर्यन भाई इस पूरे फिल्म स्टार होने के करियर में क्या क्या सीखा जिंदगी के बारे में यस yes, मैन अपने अराउंड ना रखना ये बहुत सीखा है थे कभी नहीं दूसरों पिछले वो देख के मैंने क्या हाँ सही जा रहा हूँ नेपोटिज्म अभी यू आर टेक्निकली फुल्ली सेल्फ आप एक एग्जाम्पल ऑफ समन हुई लिटरली द वर्स्ट एनिमी ऑफ सो कॉल्ड नेपो किड अभी तो सबको आउटसाइडर बनना है <laughs> जो है भी वो ट्राई करते हैं कि आउटसाइडर ही हो कभी कोई ऐसी फिल्म आई है जिसे आपने रिजेक्ट करी पर हिट बन गई नहीं नहीं लेकिन जो मैंने एक्सेप्ट किए वो फ्लॉप हुई है ऐसा हुआ है <laughs> <laughs> कभी कोई फिल्म छीनी गई है आ, वो बहुत हुआ है बहुत बेस्ड ऑन व्हाट बदाइश नहीं <laughs>

Nice कार्तिक आर्यन लौट के आ चुके हैं टीआरएस पर ऑन द सर्फिस एक बहुत मजेदार बहुत ब्रो वाइब वाले इंसान है पर अगर आप इनसे बात करें अगर आप इनके ब्रेन को पिक करें फिर पता चलता है कि इनके स्ट्रीट स्मार्ट कितने ज़्यादा स्ट्रोंग है बहुत स्ट्रीट स्मार्ट इंसान है शाणे है और इसी शानबंथी को आज हमने अनलॉक करने की कोशिश करी इस टी आर एस एपिसोड पर अगर फिल्में अच्छी लगती है अगर बॉलीवुड की दुनिया अच्छी लगती है और अगर करियर में सक्सेस चाहिए ना आई फील कि आपको इस एपिसोड से बहुत ज़्यादा वैल्यू मिलेगा स्ट्रीट स्मार्ट की बातें हुई है आज फिल्म वर्ल्ड की बातें हुई है आज क्योंकि आई जेन्यूनली बिलीव इन दिस ह्यूमन बींग्स करियर इट्स बिन टू ईयर्स सिंस द लास्ट एपिसोड और मेरे अकॉर्डिंग इन्होंने बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखी है इन दो सालों में तो सिट बैक रिलैक्स एन्जॉय द एपिसोड और डेफिनेटली चौदह जून को चंदू चैम्पियन देखने जाइए सिनेमा हॉल में तोड़ दिया इस फिल्म में इन्होंने ट्रेलर देखिए बट फिल्म देखने से पहले इस पॉडकास्ट को शांति से बैठ कर कंज्यूम कीजिए दिस इस कार्तिक आर्यन रिटर्निंग ऑन टी आर एस गुट्टू को <laughs> तो प्रेयर कर रहा था <laughs> हाँ क्यों तो मुझे एक्चुअली रेडी बोल के फिर प्रेयर चालू की ना हाँ इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस पिछली बार ही तो नहीं की थी हाँ अभी दो दो साल हो चुके हैं बहुत कुछ दे सीखा दे है दे दो, दो सालों में हाँ? हाँ वैसे स्टार्ट एक्चुअली मैं यहाँ पे ये यह जब कॉफी रख रहा था हाँ तो मुझे लगा कि ये मैं कुछ ऐसी जगह पर होली प्लेस पे कुछ रख रहा हूँ रख सकता हूँ यहाँ पे नहीं नहीं चिल्ले इट्स होली बट फ्रेंडली होली फ्रेंडली हाँ स्टार्ट हो चुका है पॉडकास्ट हाँ ठीक है ठीक है बस फॉर्मेलिटी के लिए मुझे ताली मारनी है फॉर आई एडिटर्स और आपके लिए भी तालियाँ थैंक यू बहुत बदला है आपकी लाइफ में कार्तिक का आर्यन भाई बताइए हाउस लाइफ हाउस लाइफ लाइफ इज गुड यार आई एम एंजॉइंग लाइफ आई एम एंजॉइंग लिविंग इन द मोमेंट एंड आई एम और यहाँ पे भी काफी बदलाव आया है इन अ गुड वे विच इज नाइस बट इट्स बिकम रियली होली इट्स इज बिकम वेरी अलग अलग चीजें हैं यहाँ पे एक uh, ये क्या है टाइगर <laughs> चीते <laughs> चीते हैं बहुत सारे चीते हैं यहाँ पे और बहुत सारे भगवान की मूर्तियाँ हैं and then yeah it's it's nice, it's nice nicely made yeah. vibe feel ho jati hai kisi room ki. मुझे एक्चुअली लगा मैं टेम्पल आ गया हूँ या कुछ यहाँ पे हम पूजा करने वाले हैं सडनली एंड स्टार्ट एंड देन यू स्टार्टेड स्टार्ट एड लाइक कि मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा मैं हाँ हम, हम लोग शूज वूज उतार के भी आए अंदर यहाँ पे थीम एंड बट इट्स टू बी इट्स टू जस्ट जस्ट मीट यून पर्सन अगेन एंड यू हैव grown एंड grown एंड grown फ्रॉम देन टू नाउ

मुझे आपसे कहनी आई वॉन्ट टूट जस्ट कॉन्वर्सेशन कॉन्ट फट की रिकॉर्डिंग मुझे याद है उस फेज में ये भूल भुलिया टू के पहले था राइट करेक्ट करेक्ट थोड़ा सा आपको ऑस्टिसाइज किया जा रहा था सेपरेटेड फ्रॉम द फिल्म इंडस्ट्री करेक्ट और उस एपिसोड के रिसर्च करने से पहले uh, हर किसी ने मुझे भी यही कहा यह बात सच है या नहीं ये सिर्फ रूमर्स थे खुद का पॉडकास्ट स्टार्ट करना है पहले यह सीखो कि पॉडकास्ट स्टार्ट कैसे करते हैं एक पॉडकास्ट के के आपको अपने सोशल मीडिया लिए 20 शॉर्ट फॉर्म वीडियोस, मिल सकते हैं। पर आए एक course, out, 101 उस आ, काफी कुछ हो रहा था लाइफ में और वो बहुत गलत गलत जोन में भी कुछ चीजें हो रही थी उसके बारे में मैं कुछ बोलूँ ना बोलूँ वो सबको पता ही है मेरे खुद के बोलने से कुछ फर्क पड़ता नहीं है uh, मतलब इट्स जस्ट दैट कि मैं बस आई हैव ऑलवेज केप्ट दैट साइलेंस एंड एंड वो साइलेंस ही एक एक आंसर है अपने आप में एंड आई वॉन्ट टू बी दैट वे वो एक थोड़ा सा एक आई uh, थिंक खुद की भी नहीं सबकी भी मैं डिग्निटी में एक रहना चाहता हूँ जैसे मतलब मैं चाहता हूँ मेरे बारे में भी, भी कोई कुछ ना बोले और मैं चाह और ना मैं किसी के बारे में बोलना चाहता हूँ तो ट so वे I feel, I feel मुझे ऐसा लगता है कि इट्स बेटर टू नॉट से एनीथिंग अबाउट दैट मोमेंट एंड एंड बट होपुल आई एम थैंकफुली भूलवलियर टू केम इन माई लाइफ एंड इट जस्ट चेंज एवरी थिंग फॉर मी uh, उसके बाद से अचानक से कुछ अलग ही uh, लाइफ ने रफ्तार पकड़ी और uh, यह मुझे काफी मतलब

की तरफ ही बात कर सकता हूँ और दूसरे मोमेंट में एकदम डीप बातें भी होती है इनके साथ आपकी <laughs> फेवरेट डीवा कौन थी लीटा क्यों पसंद थी लीटा आपको उनके बालों का रंग <laughs> लीटा <laughs> ये अलग प्राणी है, है। <laughs> हाँ डब्ल्यू डब्ल्यू की बातें हुई थी हाँ डब्ल्यू डब्ल्यू की बातें हुई थी लीटा टोरी की बातें हुई सबकी बातें हुई लीटा के बालों की बातें हुई थी अब कलर की बात हुई थी <laughs> के तो कि याददाश्त अच्छी है याददाश्त काफी अच्छी है स्ट्रॉन्ग मेमोरी स्ट्रॉन्ग मेमोरी फोटो -ग्रा... कहा <laughs> जा रहे हैं हम उस... इस बात से कहा जा रहे हैं <laughs> ऐसे ही मैं <मुझा>। पूछा <laughs> फोटोग्राफिक मेमोरी फोटोग्राफिक मेमोरी <laughs> दुनिया में सबसे सुंदर स्त्री कौन है जिसे आप रियल लाइफ में मिले हो जिनकी ब्यूटी को देखकर ऐसा लगा कि ये कौन है <laughs> ऐसा मुझे एक्चुअली ऐसा काफी लोगों के साथ लगता है ऐसा एक को मैं पिन पॉइंट नहीं कर पाऊंगा और क्योंकि क्या होता है ना कई बार जरूरी नहीं है कि फिजिकल अपीरेंस ही आपको अट्रैक्ट कर रहा हो किसी की पर्सनालिटी बहुत ज्यादा इंप्रेसिव होती है और आप उससे जो आपने रिएक्शन दिया ना वो है वैसा वो दिमाग पलटी खाता है एंड एंड आई फील आई 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 फील अलग-अलग पर्सनालिटीज के साथ अलग-अलग एक फीलिंग आती है व्हिच सो आई कांट पिन डाउन कि कौन एकदम ही सबसे ज्यादा कौन है खूबसूरत या सबसे ज्यादा किसको देख के एक फीलिंग कौन कौन सी फीलिंग जो भी आप बोल रहे हो वाली फीलिंग कोई आए <laughs> वैसा अभी मैं पिन पॉइंट नहीं कर पा रहा हूँ ओके टॉप 7 ब्यूटीफुल कौन थे ये जो इतना माहौल बना है मैं पहले अंदर एंट्री मारते ही मुझे लगा कि ये प्रेयर हो रही है यहाँ पे क्या ये सवाल पूछने के लिए ब्यूटी इज ऑल्सो गॉड्स गिफ्ट हाय आई थिंक लेकिन मैं अगर इनका किसी का नाम लू तो दूसरे का नाम नहीं लिया तो वो लिस्ट आ जाती है ना वो एक अच्छा हाँ, मैंने किसी ने किसका नाम लिया वो किसी ने किसी ने का नहीं लिया तो वो फंसने वाले सवाल हो जाते हैं किसी एक को पिन पॉइंट करने पे तो मैं उस चीजों से थोड़ा सा हो रहता हूँ यहा, यहाँ आपका एक्सपीरियंस बात कर रहा है हाँ यहाँ मेरे यहाँ मेरा एक्सपीरियंस बात कर रहा है है ओके क्या 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 सीखा इस पूरे फिल्म स्टार होने के करियर में क्या क्या सीखा है ज़िंदगी के बारे में मुझे लगता है मैंने बहुत बहुत कुछ सीखा है जैसे आपने अभी बोला कि एक्सपीरियंस बता रहा है आपका ये सवाल का जवाब ना देना कौन से सवालों के जवाब ना देने वो सीखा है कुछ कुछ हद तक कौन सी चीज़ों में रिएक्ट ना करना सीखा है और मैंने ये ज़रूर सीखा है कि आ... अभी बड़ी वैसी सी बातें लगेंगी लेकिन अगर मैं बोलूँगा लेकिन वो मुझे लगता है कि हार्डवर्क और सक्सेस और ये फेलियर्स सक्सेस फेलियर जो भी होता रहे हार्डवर्क कम नहीं होना चाहिए वो चलते रहना चाहिए और इनफैक्ट मेरे जो फेलियर्स हैं वो मुझे ज़्यादा एक्चुअली में सिखा रहे हैं या सक्सेस uh, से भी ज़्यादा एंड येस मैन अपने अराउंड ना रखना ये बहुत सीखा है मैंने पहले थे कभी नहीं थे देखे मैंने दूसरों के इसलिए वो देख के इसलिए वो देख के मैंने क्या हाँ सही जा रहा हूँ <laughs> तो गाली देते हैं मेरे वाले तो हाँ टपली मारते हैं तो, ही हाँ तो वैसा है तो मुझे लगता है कि ये सब चीजें होती हैं जब आप देखते भी हो तो आपको कई बार आप बुरी फिल्में भी देखते हो और आपको लगता है हाँ ये ये नहीं करना है अच्छी फिल्म देखते हो तो आप इंस्पायर भी होते हो अरे यार ये काश ये मिल जाती फिल्म वो भी वो लास्ट कौन सी फिल्म है जिसे देखकर इंस्पिरेशन फील हुई कि यार ऐसी फिल्म करनी चाहिए मुझे एक्चुअली ऐसा काफ़ी uh, मैं ना अभी सडनली इस इस फिल्म से बहुत तृप्त है मेरी आत्मा uh, जो मैंने अभी खुद की है तो so मैं आई आई कॉन्ट मेरे को एग्जांपल्स देते कोई फिल्मों के मैं बता दूंगा मुझे ऐसा ऑफ लेटली इसलिए नहीं लगा क्योंकि मैं चंदू चैंपियन जिस तरीके की फिल्म कर रहा था अभी उसमें मेरे को बहुत सारे जॉनर्स करने का मौका मिल गया एक साथ बहुत सारी चीज़ें करने का मौका मिल गया और वो उसने मेरा ऑल द मोर मतलब क्या होता है ना कि एक क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन जो मिलता है वो उस फिल्म से मुझे बहुत ज़्यादा हासिल हुआ तो ऐसे सोचूँ तो ऐसे मेरे को एक एक मुझे लगता है मैंने साइफाई नहीं किया है Uh, एक तरीके से यू you नो know, मैं भूल कॉमेडी kind of uh, hmm. uh, मुझे लगता है वैसे तरीके की कोई फिल्म अगर बड़े लेवल पे जो हम uh, ज्यादातर वेस्टर्न फिल्म्स में देखते हैं, uh, वैसा कुछ मौका मिले तो वो मुझे लगता है कि शायद से मुझे लग रहा है मैं एक साइफा वर्ल्ड में हूँ <laughs> <laughs> <यहां? laughs> हाँ तुम लग रहे हो कि तुम अवतार का कोई कैरेक्टर होलियन ही हूँ मौत, एलियन, भूत, काला जादू। कहते हैं कि मीडिया इंडस्ट्री में जनरली होता है काला जादू। जादूनो मैं है, इस फिल्म से पूरी अपनी लाइफस्टाइल चेंज की नींद आना चालू हो गई आठ घंटा okay. सोता हूँ प्रॉपर ऐसी बनाई आपने काला जादू तो नहीं किया काफी <laughs> काफी कुछ करना पड़ा लेकिन ये नहीं किया बट ऐसी बॉडी के लिए सवा साल या डेढ़ साल मेहनत की जिसमें जिसमें बहुत सारा खाना छोड़ना पड़ा बहुत सारे आई थिंक बॉक्सिंग स्विमिंग जिमिंग वर्कआउट्स फुल फिटनेस रजीम सुबह से लेकर रात तक सुबह सात बजे आठ बजे वर्कआउट करना शाम को स्पोर्ट्स खेलना रात को टाइम पे सो जाना और करेक्ट टाइम पे करेक्ट चीज़ें खाना मैं सिर्फ यही कर रहा था बिना एलियंस को ध्यान में रखे हुए, <laughs> भूतों को जादुओं को कोई मिल गया नहीं देख रहा था कहीं पे कुछ नहीं बस यही कर रहा था और ये पूरा सवा साल डेढ़ साल करता रहा मैं अब वेज हो ना हाँ वेज डाइट पर ऐसी बॉडी बनाई करेक्ट क्या खाया पनीर खाया स्प्राउट्स खाए प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स खाए एक अपना तोफू खाया तो ऐसी पचास चीजें हैं और दाल पी सीरियसली यही सब ये ये ऐसे ऐसे आ, अलग अलग चीज़ों से यही होता था आई थिंक ये चार पांच चीज़ें हैं जो मेनली फाइबर्स खाए अपने क्या बोलते हैं सैलड्स खाए यू नो ऑल दीज थिंग्स इन्हीं सब से ये हुआ है ट्रांसफॉर्मेशन तो, से पहले किसी से एडवाइस ली ये ट्रेनर्स जो हैं तो, सो okay. बेसिकली आ, जो मेरे स्पेसिफिक ट्रेनर्स थे इस चीज़ के लिए उन्होंने ये प्लान uh, एक क्या हुआ था ना उन लोगों ने एक मील सेटअप कर लिया था तो वो खाना मेरा स्पेसिफ़िकली वही मील आता था मैं रोबोट की तरह मशीन की तरह वही खाता था और सो जाता था या वर्कआउट कर लेता था फिर खा लेता था सो यू नो वो एक साइकिल बन गई थी पूरी तो बस वही खाना आना था और रात को एक सूप पी के सो जाता था सो सो इट 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 बिकेम लाइक अ रोबोटिक थिंग थिंक कि रात को टमेटो सूप पीता हूँ जैसे तो वो टमेटो सूप पूरे छः महीने वही चल रहा है कुछ उसमें चेंज नहीं है ब्रोकली सूप ज़्यादा से ज़्यादा एक बार हो गया लेकिन उसके बाद कुछ नहीं तो वो एक मेंटेलिटी बन गई थी कि मुझे ये फॉलो करना है ये रिजीम फॉलो करना है एंड इट्स फॉर द फिल्म एंड इट्स फॉर माय ओन बेटरमेंट आल्सो इन अ वे एंड एंड उसके लिए बहुत विल पावर चाहिए था लेकिन वो धीरे 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 इतना आया क्योंकि यू स्टार्ट वंस यू स्टार्ट सीइंग चेंज इन योर बॉडी तो आई थिंक वो मेंटली आपको एक स्ट्रेंथन स्ट्रेंथन करता है सो फाइनल पॉइंट पर कैसा लगता है ऐसा लगा कि आ, जिस तरफ हम लोग बढ़ रहे थे मेहनत कर रहे थे वहाँ हम अचीव किया हम लोगों ने विदाउट यू नो ये बहुत एक सीरियस सी बात भी बता रहा हूँ कि विदाउट यूजिंग एनी यू नो कि स्टेरॉय ये या शॉर्टकट्स ये सब चीज़ें आई थिंक यू आर ऑल्सो इन टू फिटनेस एंड यू नो जिमिंग वो तो कितने सारी चीजें बताता रहता अभी वो बंद तो नहीं किया ना ये बंद कर दिया अभी हाल फिलहाल इट्स like एक जमाने में पूरा फिटनेस करते थे ना वो हाँ। मैंने देखे हैं वो सारे हाँ। अच्छे वीडियोस थे वो सो आई थिंक वो जब वो जैसे ही हुआ आ, वो जो चीज होती है ना कि यार आपको पता होता है कि ये ये कैसे बन रही है और ये कैसे बन रही है सो यू गेट द आइडिया ऑल्सो वंस यू आर अ जिम और हेल्थ फ्रीक और हम लोग को स्पेसिफिकली दिमाग में था कि मुझे ये ऐसे बॉडी नहीं बनानी है मुझे ये शॉर्टकट और ये जो कि शॉर्टकट तो है बट बहुत डेंजरस है और उससे बहुत आपकी लाइफ ऑल्टरिंग चीजें हो जाती हैं तो आपको चेस्ट तो आ जाएगा लेकिन आपका बाकी सब खराब हो जाएगा खराब हो जाएगा क्या खराब हो जाएगा नो इट्स ट्रू स्टेरॉइड से इफ़ यू डोंट टेक द राइट गाइडेंस एंड प्रिकॉशंस ऐसा ये हो जाता लाइफ के लिए इट्स दैट्स द ट्रूथ कभी खुद को एडमायर किया शीशे में खुशी से एडमायर किया कि हाँ यार ये दिख रहे आप्स, आप्स, आप्स दिख रहे हैं। hmm. और एंड आई फील कि ये बहुत uh, जब ये अचीव मतलब uh, फुल जो जैसा इसमें रिजल्ट आया है फिल्म में वो अचीव करने के बाद बहुत ऐसा फील आया था कि यार ये uh, कि यार ये कितना सही तरीके से और सही प्लानिंग से ये अचीव किया है वो बहुत लोगों के लिए आई थिंक ये बहुत एक, एक गलत एग्जाम्पल सेट हो जाता है कई बार कि कई कह, कई लोग वो चीज़ कुछ अलग तरीके से कर लेते हैं और जैसे आपने अभी पूरा एक एक्सपेरिमेंट दिखाया वो सब <laughs> चीज़ें हो जाती हैं बट मैं ये वही बोलना चाहता हूँ कि ये सब चीज़ें अचीवेबल हैं विदाउट गोइंग इन टू थिंग्स विदाउट यूजिंग दोज थिंग्स मुझे तो ये भी नहीं यू नो ये गाइडेंस का भी नहीं समझ आता कि गाइडेंस का भी इट्स इट्स अ साइंस जो बहुत आई डोंट नो इफ इट्स डेवलप्ड राइट आपको कभी प्रेशर फील होता है एज एन एक्टर लाइक अबाउट मेंटेनिंग इमेज लाइक हमेशा हेयर स्किन बॉडी एक तरह का प्रेशर होता है यार मैं मतलब मैं इस तरीके के प्रेशर ये वाले नहीं लेता मेरा फिजिकल अपेरेंस वाला प्रेशर नहीं है मेरे दिमाग में इनफैक्ट uh, मैं uh, मेरा उल्टा रहता है मेरा ज़्यादा प्रेशर मेरा फिल्मों को लेकर रहता है मेरे दिमाग में लाइक लाइक बॉक्स ऑफिस बॉक्स ऑफिस लाइक दिमाग में थोड़ा सा आता है कि बॉक्स ऑफिस होना चाहिए पिक्चर में इतनी मेहनत की है सबके लिए फ़ायदा होना चाहिए आ, उसकी तारीफ होनी चाहिए वो सही प्रोडक्ट बनना चाहिए तो ये जो है फिजिकल अपेयरेंस ये ये बहुत सेकेंडरी है उसके उसके सामने ये तो मैं इस फिल्म के लिए भी ये जो अचीव कर रहा था इट वॉज नॉट फॉर द लुक्स इट वॉज फॉर द आउटकम फॉर द आउटकम एंड ऑल्सो टू मेक इट लुक ऑथेंटिक वो ऑथेंटिसिटी की बहुत जरूरत थी इस फिल्म को और वो अगर नहीं होता तो ये पूरी पिक्चर एकदम ही अलग जोन में दिखती फिर पचास हजार अलग चीजें करनी पड़ती लेकिन क्योंकि अब वो अचीव किया तो तो आपका वो शॉकिंग रिएक्शन आता है ना वो यू नो जोक्स अपार्ट आई वॉज वेरी हैप्पी कि आप एक कबीर खान फिल्म हो <laughs> स्पेशली <phase> के बाद <laughs> आ, मुझे याद है बैल्कनी प्योर गायन आई दैट मूवी डूइंग वेल आई हैप्पी अभी मैं है आपसे दो साल बाद मिल रहा हूँ आप एक कबीर खान फिल्म में हो सो इट इट शोज इट शोज सम लेवल ऑफ ऑनेस्ट घिसाई कि correct, correct. किसी को फिल्म इंडस्ट्री से थोड़ा साइड uh, कर दिया है एट द सेम टाइम दैट पर्सन जस्ट थ्रू हार्ड वर्क इज कमिंग बैक जब मैंने आपसे कहा ब्रो हैप्पी फॉर यू थैंक यू फॉर रिस्पेक्टिंग माई हसल और आप ना बहुत खुशी खुशी फाड़ रहे हो लाइफ में मुझे लगता है अपने बस काम पे बिलीव करते रहना चाहिए और काम करते रहना चाहिए और अच्छी तरीके से अच्छे इंटेंशन से काम करोगे तो बस ग्रोथ होती रहेगी एंड सही लोग आपके साथ अटैच होते रहेंगे जैसा कि कबीर सर के साथ ये फिल्म मेरे लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट फिल्म है और जिस तरीके से उन्होंने इस फिल्म में मुझे प्रेजेंट भी किया है जिस तरीके से ये फिल्म को प्रेजेंट किया है आ, बहुत ही यूनिक फिल्म है जिसमें मुरलीकांत पेटकर जी की कहानी को अगर आई थिंक इससे बेटर मेकर नहीं बन सक मिल सकता था जिस बारीकी से जिस डिटेलिंग पे वो वर्क करते हैं आ, वो इज़ बिन लाइक हेड uh, मास्टर या प्रिंसिपल और उस तरीके से उन्होंने एक क्लास को पूरा संभाला है और एंड एन एंड हैव बीन लकी टू यू नो गेट अ गेट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क अंडर हिज डायरेक्शन अप स्किलिंग शब्द आप जानते हो लाइक जस्ट बेटरिंग अ स्किल तो ऑब्वियसली जितना ज्यादा आप एक्ट करोगे उतनी ज्यादा आपकी एक्टिंग स्किल बढ़ेगी बट टू बी अ स्टार और कौन से स्किल्स जरूरी होते हैं और, hmm. और कहाँ अपस्किलिंग की जरूरत होती है मैं जेनुअली बताऊँ मेरे मुझे ऐसा लगता है कि आजकल आ, हर फैक्टर इन्वॉल्व हो गया है हर चीज़ में और जैसा कि आपने सवाल पूछा है स्टार्डम के लिए भी क्या आप स्किलेंगे और ये सब चीज़ में लेकिन मैं एक भी फैक्टर बताऊँगा वो आपको लगेगा हाँ ये भी है दूसरा बोलो अभी वो भी है तीसरा बोलूँ मैं एन नंबर ऑफ थिंग्स क्योंकि देर अभी एंडलेस हो गया है हर चीज़ की एक अपॉर्चुनिटी एंडलेस है हर चीज़ का आ, तरीका लोगों तक पहुंचाने का लोगों से बात कर सब चीजों में बहुत सारी हजार चीजें लाइक like, आप सोशल मीडिया भी समझ दो अकॉर्डिंग सो हाँसली अगर सम अंडरस्टैंडिंग आई थिंक पर लोग जो मीडिया में है वो समझते कि आप समझ दो आउटसाइड वर्ल्ड मेकिंग इट लुक इजी हंड्रेड परसेंट देट द होल पर्पज बट देर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग

एटसेट्रा एटसेट्रा हंड्रेड परसेंट हंड्रेड परसेंट उस हिसाब से पिक करना एक अलग चीज़ है उस हिसाब से कि ये सोसाइटी इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ सिनेमा ये पूरी तरह से या वाइस वर्सा सॉरी सिनेमा रिफ्लेक्शन ऑफ आर सोसाइटी ये जो चीज है ना ये जो जब बोलते हैं कई बार तो उसमें कई बार ये चीज हो जाती है कि एज एक्टर्स हम हर बार वो चीज चूज नहीं कर सकते एज एक्टर्स मुझे कभी शायद से नेगेटिव रोल भी करने का मौका मिला तो शायद मैं करूं और वो अगर करूं तो क्या मैं ऐसा सोचता हूं नहीं ना वो तो मेरा रोल है मैं वो निभा रहा हूं वो मैं फिल्म में वो प्ले कर रहा हूं दूसरा इंसान पॉजिटिव प्ले कर रहा है लेकिन सभी अगर पॉजिटिव हो गए सभी अगर सही हो गए तो यू नो आई फील जो जो शाहरुख ने अर्ली नाइनटीज में किया करेक्ट करेक्ट टू स्टैंड बाजी मतलब ही स्टूड आउट बैक देन करेक्ट एंड शायद बहुत सारे नाइनटीज किड्स के लिए वो शाहरुख खान की पहली एक इमेज बिफोर दो रोमांटिकेट यूर राइट यूर एब्सोल आई फील की यू शुड जस्ट चूज ऑडियंस क्या देखना चाहता हूँ मैं वो चूज करता हूँ आई डोंट लाइक ब्रिंगिंग सब बिकॉज आई एम नॉट completely ऑन ईदर साइड ऑफ द डिबेट ठीक है बट ये जो शब्द है ठीक है आपका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है थ्रू बींग सेल्फ मेड आप समझ लो कि मतलब जैसे मैंने पंकज सर से ये पूछा था पंकज त्रिपाठी से की आप इतने अच्छे एक्टर बने कैसे तो उन्हें कहा लाइफ एक्सपीरियंस लाइफ देखिए ज्यादा Correct. वो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप में क्या है जो नेपो so किड्स में नहीं है Because something has worked. I think, uh, I think मैं नहीं कर लेकिन मैं बस ये बोल पाऊंगा द रिलेटेबिलिटी फैक्टर आई थिंक ऑफ पीपल रिलेट टू माई जर्नी लॉट ऑफ पीपल रिलेट टू वट वट आई डू एंड हाउ आईव अचीव दे रिलेट टू यू नो द हार्डवर्क दैट दे डू इन देअर पर्सनल लाइफ एंड दे नो कि ये ये भी अपने आ, मुकाम तक इधर से खुद से पहुँचा है मेहनत से ऊपर आए सो आई फील कहीं ना कहीं वो और एंड एंड अगेन द एक्सपीरियंस आई थिंक ये करते करते कभी स्टम्बल हुए कभी ऊपर आए कभी नीचे गए फिर वापस ऊपर आए सो वो जो उतार चढ़ा उतार चढ़ा वो सबके सामने है uh, अगर उससे पहले का उतार चढ़ाव नहीं है लेकिन ये वाला जो जब से जर्नी स्टार्ट हुई है तब से यहाँ पे इंडस्ट्री में वो तो दिखा है सबको सो आई थिंक कहीं ना कहीं वो रिलेटेबिलिटी एक है सबके दिमाग में एंड मेरा uh, बस वही है कि uh, हम लोग हमेशा यहाँ पे इंडस्ट्री में जो एक एक सर्कल है उसके अंदर एक एक यू नो एक, you know, एक बॉक्स सा बन चुका है ये इतने लोग इतने लोगों से बात करते हैं और उसी में खुश होते हैं उसी में दुखी होते हैं करेक्ट मैं आई थिंक किसी बॉक्स का पार्ट हूँ नहीं मैं थिंक क्या मैं नहीं हूँ मैं मैं अपना खुद का एक आ, फिल्में कर रहा हूँ और जो मुझे अच्छी लग रही हैं जो मेरे पास अपॉर्चुनिटी आ रही है उनमें से मैं टू हंड्रेड परसेंट देना चाह रहा हूँ और मुझे लगता है कि मेरा वो एक जो एक्सपीरियंस है सोसाइटी के साथ और नेचुरली लोगों के साथ जो मेरी पूरी जिंदगी जहाँ पर डेवलप हुई है जो शायद ग्वालियर है या वहाँ से जब मैं नवी मुंबई आया या मुंबई हाँ, में मिला हार्बर लाइन में गया या लोकल ट्रेन में ट्रैवल किया हर चीज़ ने या कॉलेज ने सारे एक्सपीरियंसेस मिलके उनने ना वो एक कहीं ना कहीं ना वो एक 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 आम आदमी वाला सोचना मेरे अंदर वो शुरुआत से है नॉट जस्ट इन एक्टिंग नहीं नॉट जस्ट इन एक्टिंग एग्जैक्टली इन रियल लाइफ ऑल्सो इन रियल लाइफ में मेरा वो सोच थाट प्रोसेस एकदम वहीं से आता है कि मैं मैं ग्वालियर से आया हु मेरे दिमाग में मैं मैं सोचता है हिंदी में हूँ इंग्लिश में नहीं सोचता सो so, अच्छा सो <laughs> so, वो चीज़ है यू नो सो वो मुझे लगता है एक अलग चीज़ होती है जिसमें कई तो इट्स इट्स अ कॉन्टेक्स्ट मैं कॉन्टेक्स्ट में बोलना चाह रहा हूँ कि वो वैसा है तो ये आई थिंक इट इट वर्क्स इट वर्क्स एंड पीपल रिलेट टू इट मुझे कभी ऐसे शुरुआत में या बहुत टाइम अभी तक भी ऐसे बड़े वाले मौके नहीं मिले जो जो मौके बाकी लोगों को मिले होंगे बट सी इसलिए इट्स इट्स बेटर टू बी साइलेंट एंड जस्ट लेट योर वर्क स्पीक बिकॉज वेन आई से इट इट ड फील इट जेन्यजेंट फील हाँ इट फील्स अरे यार ये अपना mm -hmm. कहानी क्यों आई जस्ट ट्राई टू डू माई वर्क जितना मिलता है उसमें टू हंड्रेड परसेंट करने की कोशिश करता हूं कहीं ना कहीं कुछ तो सही कर रहा हूँ तो पास से देख ऐसा लगा है कि मैं भी बच्चे बना लूँ और उन्हें भी नेपोटिज्म के फायदे दूँ <laughs> अभी तो सबको आउटसाइडर बनना है <laughs> <laughs> अभी तो, अभी तो, अभी तो सब सब जो है भी वो ट्राई करते हैं कि आउटसाइडर ही हो mm. <laughs> तो अभी तो बहुत वैसा हो गया एंड uh, तो मेरे को तो ऐसे अब फाइनली ऐसे कोई ऐसे कोई ख्वाब ऐसे वाले नहीं है ना मेरे कभी थे क्योंकि मैंने वो लाइफ ही नहीं देखी थी uh, बट इट्स 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 नाइस है द वे माई जर्नी हैज शेप्ड अप एंड फ्रॉम द स्टार्ट एंड टू नाउ एंड आगे तक आई आई फील या इट्स इट्स नाइस आई एम एंड सी उनका भी एक अपना जर्नी है एंड आई कांट से उनका अपना ये वो बट इट्स जस दैट ये ऐसा डिस्टिंगशन हो गया है कई बार ऐसी डिबेट आ जाती है जिस में यू कॉन्ट हेल्प इट बट अब आपको ऐसे ही बात करनी पड़ती है फिर सो आई एम

और अगर एक्टिंग टैलेंट बढ़ाना है तो दुनिया देखो जो सेल्फ मेड लोगों ने ज्यादा देखी हुई होती है सर right. uh, पर एक सेकंड एंगल बाइट का एंगल रहता है यू यू वांटेड सक्सेस इसलिए आप यहाँ हो करेक्ट अक्सर आई एम नॉट सेइंग दैट पीपल फ्रॉम रिच फैमिलीज डोंट वांट सक्सेस पर बचपन से लाइफ थोड़ी सो कंफर्टेबल रहती, रहती है पैम्परिंग रहती हाँ। है तो यू डोंट इवन नो इफ द बाइट योर फीलिंग इज एक्चुअल बाइट फ्रॉम अ scale of other people, I I I feel so. I mean, see, that's what I'm saying सेंग For for a person who has always been a part of the industry, इंडस्ट्री उनको वैसे लोग काम करने के लिए भी तो मिले हैं उनकी हुनर को और ज्यादा दिखाने के लिए मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कल मैं किसी फैमिली से होता है जो इधर की फैमिली तो मेरे को लॉन्च भी उसी तरीके का मिल रहा होता उस तरीके के डायरेक्टर ने मेरे एक्टिंग पावर्स को और अलग तरीके से दिखाया होता क्योंकि बचपन से हम उनसे मिल रहे हैं करेक्ट और वो मौका और भी बड़ा मिलता शुरुआत hmm. से मिलता तो वो चीज़ एक डिफर कर जाती है कई बार कि वो इवन ग्राउंड नहीं होता है वो इवन ग्राउंड कभी था नहीं शायद अब बदले लेकिन था नहीं और उसमें किसी की गलती नहीं है

ऐसे लोग हैं जिनको देख के मुझे ऐसा लगे कि यार ये तो एंट्री मारे तो ये हीरो सिटिया बजे लेकिन कुछ तो शायद मैं सही कर रहा हूँ जो जो या मैं लकी भी हूँ उस मामले में मुझे ऐसा लगता है कि हाँ थोड़ा सा एक करेक्ट चीज़ शायद करेक्ट इंस्टिंक्ट आ गया ये वाले चीज़ का लेकिन कोई जो चीज़ है जो रिलेटेबल फैक्टर है या फिर जिस तरीके से अप्रोच करता हूँ अपनी स्क्रिप्ट्स को या फिल्म्स को या कैरेक्टर्स को वो पहुंचता है लोगों तक पहुंचता है उनका ध्यान वहाँ पे आता है uh, और मैं अभी भी सीख रहा हूँ वो चीज़ें अभी भी उनको मैं और ज़्यादा वो कर, करना चाहता हूँ कि और रिफाइंड हो और लोगों तक पहुँचे और अच्छे तरीके तक पहुँचे सो so, वो एक है लेकिन आई फील आई फील इट्स नॉट अबाउट द लुक्स इट्स इट्स अभी मैं बोलूँगा तो ऐसा लगा इट्स ईजी टू से दिस नाउ बट मैंने वो देखा है कि बहुत सारे गुड लुकिंग लोग होते हैं लेकिन वो लुक्स लुक्स में ही फंस जाते हैं mm. वो वो फिर डिफर कर जाता है कि आप मतलब आई डोंट नो सो एंड आई थिंक आई फील की अ लॉट ऑफ पीपल आर अंडरस्टैंडिंग दैट एंड दे आर दे आर एक्चुअली गोइंग फॉर एक्टिंग एंड दे आर गोइंग फॉर दे टैलेंट और डांसिंग स्किल और बडेवर स्किल सेट दे कैन इम्प्रूव ऑन एंड इट कैन बी यूज इन द फिल्म सो वो आई थिंक अभी थोड़ा काफ़ी मेरिट टाइम से तो काफी बदला हुआ है काफी ओ, अगर पंचनामा में हम लोगों ने काम नहीं किया होता तो किसी को काम नहीं मिल रहा होता आगे ना सोनू टीटू में अगर काम नहीं होता अच्छा किया होता तो आज नहीं बैठे होते हम यार तो वो कुछ तो सही कर रहे होंगे ऐसा तो नहीं है बस ऐसे डायलॉग ऐसे ही फ्लैट बोल दिया है कुछ नहीं किया <laughs> और बस यू you नो know, या डांस नहीं किया या इट्स या इट्स प्रमोशन अलग होता है प्रमोशन तो तब आप कर लेते हो ठीक है लेकिन एक्चुअल तो फिल्म में आपने काम किया होता है एक साल आपने दिया होता है आप तो, ये मानते हो कि आप खुद शाने हो मुझे लगता है मैं स्टूपड नहीं आ, ओके को, को कोई नहीं बनाया आ, कभी राइट मतलब बेवकूफ नहीं बना सकता हाँ कोई बेवकूफ नहीं बना सकता आपको अब भी ट्राई करते लो हाँ फॉर व्हाट कोई भी चीज में सब कई बार कि तोड़ फिल्म में भाई साइन कर लो ऐसे हाँ। वो तो वो तो नॉर्मल सी बात है वो तो हर कोई सी सी एंड एंड आई डोंट ब्लेम देम आल्सो कई बार ऐसा होता है कि हर इंसान को अपनी पिक्चर अच्छी लगी मुझे भी लगती है मैं भी अपनी पिक्चरों को सोचता हूँ अरे ये तो मतलब बेस्ट पिक्चर बन गई लेकिन लेकिन क्या होता है कई बार कुछ साइनिंग पे भी कुछ लोग ऐसे उस जोन में आते हैं कि आप देखते हो कि अरे यार इतने अच्छे लोग इतने बड़े बड़े नाम लेकिन जब वो पिक्चर आती है आपके पास एज अ स्क्रिप्ट या कुछ तो आप भी सोचने लगते हो यार मैं तो गलत नहीं हूँ ये हो क्या रहा है ये पिक्चर बनाना चाहते हैं सब <laughs> सही में तो वो बहुत डाइसी डिसीजन होते हैं वो बहुत वैसे डिसीजन होते हैं कि अब आप अपने, अपने माइंड को भी जज करने लगते हो कि यार ये मुझे नहीं समझ आ रही क्या कभी कोई ऐसी भी सामने होता है आंसर कि ये तो गलत है स्क्रिप्ट देख के कभी कोई ऐसी फिल्म आई है जिसे आपने रिजेक्ट करी पर हिट बन गई नहीं आउटकम ऑफ बिंग ये कभी नहीं हुआ है ये जेनली कभी नहीं हुआ है जो मैंने रिजेक्ट किया वो हिट हुई हो लेकिन जो मैंने एक्सेप्ट किया वो फ्लॉप हुई है ऐसा हुआ है <laughs> <laughs> कभी कोई फिल्म छीनी गई है आ, वो बहुत हुआ है बहुत 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 बेस्ड ऑन व्हाट पैदाइश नहीं <laughs> 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 सही जवाब बोल दिया मैं आई थिंक बेस्ड ऑन नहीं यही आई थिंक कई बार आपको रीजन ही नहीं पता होता बस बस हो जाता है बस हो जाता फिर यू हैव टू ओनली थिंक अच्छा ये किस लिए हुआ होगा क्या हुआ होगा तो जब ये पहले होने लगा वर यू सरप्राइज्ड और वर यू जस्ट लाइक ठीक है अभी क्या करें यू गेट यूज टू दट पहली बार जब हुआ था किसी बड़े फिल्म के साथ? I was just, uh, मतलब आ, आप आप uh, shattered ही होते हो बिकॉज आपके लिए वो एक एक मौका होता है और काफी टाइम ऐसा नहीं है ना कि आपके लिए वन ऑफ अपॉर्चुनिटीज है उस टाइम ऐसा हो या, यार यही है करो या मरो टाइप्स वो जब छिन जाता है तो यू फील यू फील दैट वेज कि अरे यार ये यू फील शैटर्ड यू फील व्हाटएवर ऑल सॉर्ट्स ऑफ इमोशन कम्स टू यू क्या बुढ़ापे तो, में एक दिन आप बताओगे दुनिया को अगर आपने अब अपना मुंह खोला यू माइट गेट इनटू सम ट्रबल्स आल्सो ट्रबल नहीं आई मीन इट्स यू नो यू गेट इनटू दिस थिंकिंग यार कल को काम ही कर रहे हो आप साथ में सब mm, पंगे नहीं यू? पंगे से ज्यादा क्यों नेगेटिव करना है कोई भी चीज़ में नेगेटिव क्यों करना है ठीक है शायद कुछ थॉट होगा लेकिन इवेंचुअली यू नो इट बॉयज़ डाउन टू नथिंग सो वो एवेंचुअली आप कुछ आ, मैं अपनी लाइफ में बस खुश हूँ जो ऐसा काम कर रहा हूँ जो अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं उनमें जहाँ से जहाँ तक पहुँचने की मेरी उम्मीद है मैं वो करता जा रहा हूँ और मैं यार यहाँ तक आ गया यार मेरे पास यहाँ पे कुछ था नहीं मैं तो बिल्कुल ही जीरो पे था इस इंडस्ट्री में किसी को जानता तक नहीं था सो नाउ टू बी हर आल्सो इज अ बिग थिंग फॉर मी आर आई एम आई एम जस्ट हैप्पी एंड आई जस्ट वांट कि आगे भी ऐसे ही कृपा बनी रहे एंड <laughs> ऐसे ये सब होता रहे ऐसे सोच तो आप कि योर लाइफ इज बीइंग डिसाइडेड बाई हायर पावर ऐसे थॉट्स आते हैं Um, मतलब इट्स वन ऑफ़ द वेज टू कोप विथ समटाइम्स यू नो वॉट हैपन्स मुझे ऐसा लगता है कई बार इट्स 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 कर्मा एंड नॉट जस्ट माइंड आई फील माई फैमिलीज कर्मा समटाइम्स आई फील माई मॉम डैड्स कर्मा वो मुझे और ज़्यादा ऐसा लगता है कि ये सब मुझे उस वजह से मिल रहा है या uh, या मेरा खुद का मैं किसी के साथ गलत नहीं कर रहा तो, तो शायद से वो चीज़ करेक्ट हो रही है आई डोंट नो थॉट आते हैं बट बट नेस हार्डवर्क कम नहीं करता यू नो चीजें कम नहीं करता अपने ऊपर वर्क करना कम नहीं करता बट ये उसको और एड करते हैं। अभी दो साल हो चुके हैं तो आप में बदला क्या है मैंने ये डिसाइड नहीं किया था कि दो साल पहले ये डेट मुझे याद रखनी पड़ेगी ताकि अगली डेट पे आऊँ तो अपने आप में क्या चेंजेस हैं वो याद रखूँ बट आई एम श्योर योर मेमरी इज शार्प एंड एंड या आई थिंक बिकॉज यूर सेट तो आई एम रियलाइजिंग इट ऑल्सो कि उस टाइम या थोड़े अलग जोन में भी था लाइफ में और एंड यू टेन टू चेंज यार विथ टाइम यू टेंट टू चेंज होती हैं चीज़ें लाइफ में एंड आई एम आई एम ग्लैड इट हैड इन अ गुड वे सो आई थिंक इट्स इट्स कमिंग आउट ऑफ सीइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स मे बी इन लाइफ एक्सपीरियंसेस अगेन बट

ऐसा नहीं है मैं आपको एलियंस के ही बारे में पूछूंगा एलियंस का मुझे नहीं समझ आता ये मैं देख रहा हूँ क्या अलग अतरंगी चीजें लगा रखी हैं पे तो भी अतरंगी है शो की हाँ कुछ तो ऐसा है कि यहाँ चल रहा है कुछ यहाँ पे हवन चल रहा है कुछ यहाँ पे कुछ चीजें होती बुलाया जा रहा है कुछ रूम में चीजें होती है बस उतना ही कहना चाहूंगा इट्स इट्स अ वेरी हैवी रूम ऑनेस्टली बहुत सारे लोग बहुत ईजिली रो लेते हैं इस रूम में आई थिंक लोगों के इमोशन् एक सर्फिस लेवल तक पहुँच जाते हैं इस रूम में एन्वायरमेंट की वजह से पर आपके इमोशन्स वहाँ तक नहीं पहुँच रहे हैं क्योंकि आप में वो मजबूती आई फील कि आपने दुनिया देखी हुई है यू नो वट नाट टू से ऑल्सो इन

क्या होता है ना जब किसी के बारे में लोग इनकुजिटिव ही ना हो तो ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है मुझे एक्चुअली इस बात से इसलिए प्रॉब्लम नहीं है कि अगर कोई पॉजिटिव तो बहुत ही सही चीज़ है लेकिन अगर कुछ नेगेटिव भी होता है जो बहुत रेयरली होता है लेकिन अगर वो भी हो तो मुझे एक्चुअली लगता है कि ये कितना अटेंशन दे रहे हैं चाहे वो मेरे काम में हो चाहे मेरी लाइफ में हो आ, बट यार मैं जेन्य मैं अपने काम को लेकर बहुत ऑनेस्ट हूँ मुझे अगर मैं एक साल डेढ़ साल तक कुछ और छोड़ के सब कुछ छोड़ के सिर्फ चंदू चैम्पियन पे ध्यान दे सकता हूँ तो मुझे लगता है फिर वो विल पावर मैं कहीं और भी अगर मेरे को ऐसा लगेगा कि अब नेक्स्ट फिल्म या नेक्स्ट चीज़ जो कर रहा हूँ कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है तो मैं उस पर भी वैसा ही एफर्ट मारूँगा मेरे क्लोज फ्रेंड है उनका नाम है अनमोल जमवाल उनके यूट्यूब चैनल का नाम है ट्राइड एंड रिफ्यूज प्रोडक्शन मुझे उनसे बात करता हूँ कि मैं क्या पूछू अकॉर्डिंग टू यू वो बहुत वो फिल्म नर्ड है उन्होंने कहा कि ये पूछो कि इन्होंने आकाशवाणी और सत्यप्रेम की कथा हाँ। ये दोनों फिल्में करी है हाँ। जिसमें सोशल मैसेजेस हैं ऑनेस्ट गुडनेस है हाँ। पर फिर भी लोग मानते हैं कि ओ कार्तिक आर्यन फिल्म प्यार का मंजनामा इट माइट बी एंटी वुमेन ये वो फिर मेरे कुछ स्मार्ट फीमेल फ्रेंड्स हैं हु आर नॉट फिल्म फैंस इन जनरल वो फिल्में देखते नहीं उनसे भी मैंने पूछा उन तक वो वाली इमेज पहुंचती है हाँ, कि ओ पी आर का पंजनावा करेक्ट बट इट ऑल्सो सक्सेस ऑफ प्यार का पंचना कि exactly. अगर वहां That's तक कमिंग टू पंजनामा बिल्कुल अक्यूज नहीं कर मैं बस इस इस टॉपिक को पूरा खोल रहा हूं correct. आपके correct. साथ डोंट डोंट माइंड दीज क्वेश्चन नॉट एट ऑल आई थिंक सी वॉट इज मैंने जैसे पहले आपको भी बोला था कि जब मैं एक फिल्म कर रहा हूं तो मैं एक कैरेक्टर प्ले कर रहा हूं इट्स नॉट लाइक कि मैं उसमें पूरी तरह से मैं ही हूँ वो hmm. अरे यार मेरी फिल्म है तो यही होने वाला है भी नहीं है यू सी चंदू चैम्पियन दैट्स नॉट माई कॉमेडी या उसमें रोमांस भी डिफरेंट फिल्म यू सी फ्रेडी यू सी धमाका यू सी वॉट हिट बुल्स है बजनामा इट बिकेम अ वायरल सेंसेशन दैट सीन एट दैट मोमेंट यू नो फेसबुक पे वो पागलों की तरह चला व्हाट्सएप फॉरवर्ड पे चला सो नाउ टू हैव दैट इमेज इन माइंड कि अरे यार ये तो वो यार मैं मैं किसी भी फिल्म से अपने वो नहीं हूं चाहे वो हिट हो चाहे वो फ्लॉप हो मुझे आकाशवाणी भी उतनी पसंद है लेकिन वो लोगों ने देख के कोई इमेज का तो कुछ चेंज नहीं किया मेरा जो आपका सवाल है हाँ, मेरा सवाल ये है कि आपको कैसा लगता है कि लोग इतने एजम्शन बनाते हैं आई नो एग्जैक्टली मैं मैं वही तो बोल रहा हूँ कि एजम्पन्स इसीलिए बना रहे हैं क्योंकि सक्सेसफुल हो आप क्योंकि शायद कहीं ना कहीं हाँ कुछ चीज तो जानते हैं कुछ चीज तो सोच, सोचना चाहते हैं मेरे बारे में एटलीस्ट वो सोचना चाहते हैं मेरे बारे में ये इग्नोर नहीं कर दिया मेरे को लेकिन हैविंग सेड दैट आई डोंट वांट की नेगेटिव नेगेटिव ही रहे दिमाग में अगर उनके दिमाग में ये है कि यार ये प्यार का पंचनामा किए तो यार आई हैव ऑनेस्ट फैंस ऑफ प्यार का पंचनामा विद ऑफ सोनू टी टू जिस तरीके की फैन फॉलोइंग उस फिल्म इट गेव अ फ्रेंडशिप एंथम तेरा यारू में इस मतलब फ्रेंडशिप में कौन सा गाना है आज की तारीख में उससे बड़ा जो जो तो वो गाना नहीं सुनते सुनते हैं वो फिल्म नहीं देखी थिएटर जाके देखी ना सौ करोड़ की है आई एम सेइंग आकाशवाणी भी की मैंने सत्य प्रेम की कथा भी की मैंने इसलिए नहीं किया कि यार यार इससे ना मेरा image, एक, uh, बदले हाँ हां एक कुछ इमेज बदल जाएगी इसलिए किया कि I, यार आई जेनुअली थॉट ये फिल्म अच्छी है अच्छी है यार लोगों को पसंद आएगी एंड इट वर्क्ड एंड सेम गोज विथ सोनू टीटू आई थॉट कि ये पिक्चर चलेगी चलो तब मैं ये भी बोल सकता हूँ मेरे पास तब ऑप्शंस भी नहीं थे लाइफ में कब व्हेन आई वाज डूइंग सोनू के टीटू कीविटी तब आई डेंट हैव वो बट आई वुड हैव डन दैट आई 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 हैड मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि मैं वो रियल लाइफ में हूं मैं ये बोल रहा हूँ वो कैरेक्टर्स हैं जो मैंने प्ले किए हैं मैंने सिलवट करके भी एक फिल्म की है जो एक शॉर्ट फिल्म थी विच इज अगेन अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू एंड विच इज तो मेरा वो ये पूरा आर्क जो है वो अलग है बट आई फील आई आई लाइक द फैक्ट दैट दे आर स्टिल डिस्कसिंग इट बट जो इन्होंने पूछा है ना वो यही है कि वो वाली इमेज क्यों कैरी फॉरवर्ड होती है क्योंकि वो वो बहुत कम फिल्में हैं जो लोगों तक सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर कैटेगरीज में जाती हैं प्यार का पंचनामा एंड टू एंड सोनू के टी टू हैव दैट केपेबिलिटी जो लोगों तक पहुंची है बहुत आ, बहुत आगे तक पहुंची है तो वो चक्कर क्या है कि उससे जो पेनिट्रेशन मिला है एक ऑडियंस में वो तो दिमाग में रहेगा ना वो जो चीज है उसको बीट करने के लिए कुछ ऐसा चीज होना पड़ेगा कि ये एकदम ही कुछ नया अलग कुछ और उस लेवल का हिट आना आई डोंट नो मतलब आई एम ऑल्सो मतलब मैं सोच रहा हूँ ये जब आपने पूछा है तो बट uh, इट होता ऑन नहीं, नहीं, हाँ ये तो इरिटेटिंग बात ही नहीं है लोग तो क्रेव करते हैं कि उनको बार, उनके बारे में बातें हो हाँ ये तो और ये तो मेरे काम के बारे में हो रहा है और उस मतलब मैं आपको जेनुअनली मैं जब मैं सीक्वल करके गया था इसके प्यार का बजनामा तो हम लोग हम लोग कितने लोगों के वहाँ पे बीच में कितनों के वाइफ ने कितनों के गर्लफ्रेंड्स लड़की उन्होंने बोला था कि मोनोलॉग प्लीज एक बार स्टेज पे बोल दीजिए सो एंड दे टेक इट विद अ पंच ऑफ सॉल्ट इट्स नॉट अबाउट अ गर्ल और अ बॉय आई एम नॉट से ये करेक्ट है या रोंग है इट्स जस्ट दैट ऑडियंस आर स्मार्ट दे नो दैट यार अभी मैं सत्य प्रेम की कथा में जो कैरेक्टर है सत्तू जो प्ले कर रहा हूँ वो एक ऑनेस्ट कैरेक्टर है वो ऑनेस्ट है और वो ट्रू है लेकिन एक वहाँ पर एक विलन भी है अभी अगर वो नहीं होगा तो मतलब इट्स अ वर्ल्ड ना यू आर क्रिएटिंग अ वर्ल्ड यू आर नॉट जो हमने पहले कहा ना कि फिल्म आर अक्शन ऑफ सोसाइटी ऐसी कुछ बात हो रही थी सिनेमा इज अक्शन आई ऑल्सो फील की स्पेशली इंडिया में hmm. लोग बहुत ज्यादा स्मार्ट हो रहे हैं छोटे शहरों में लाइक वी एर सींग इट विद डेटा ऑन पर वो जो फिल्म इंडस्ट्री का एक बॉक्स है दे हर नॉट केप्टअप हाउ स्मार्ट द ट एवरी वन पर hmm. बहुत सारे मजॉरिटी hmm. जहां भी मुझे एक फ्लॉप फिल्म दिखाई देती है आई सी द सेम प्रॉब्लम कि ये ऑडियंस को अंडर एस्टिमेट कर रहे, है और इसलिए ऑडियंसेस अब मलयालम सिनेमा को डिस्कवर करने लगे हैं ओल्डर तमिल सिनेमा वगैरह वगैरह ऐसे कॉन्वर्जेशन होते हैं मतलब मैं पिछले साल एक ऋषिकेश के बाहर एक गांव है उस गांव के बाहर एक जंगल है जंगल के अंदर एक होमस्टे uh, है वहां गया वहां तेलुगु सिनेमा की बात हो रही है ऋषिकेश के बाहर so like, इंटरनेट यहाँ तक पहुंच गई है एंड तुम तो वहां कैसे पहुंच गए मैं वेकेशन करने गया था वहां फॉरेस्ट हाँ. कपड़े नहीं उतारने अब बस नहीं नहीं, नहीं, नहीं।, नहीं नहीं जब अब फॉरेस्ट में रहते हो उसे फॉरेस्ट बेदिंग कहते पेड़ों के बीच ऐसा so लगता है कि पेड़ों की और में आप नहा रहे हो बट कमिंग बैक आई थिंक इट्स बी अ लिटिल क्रेजी

पल्स को पिकअप करके फिर बॉम्बे लौटते हो जो शायद फिल्मी फैमिली के लोग शायद ये मेरी है मे भी नहीं कर रहे हो सकता है आई थिंक एक्सपीरियंसेस होते हैं जैसा हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि एक्सपीरियंसेस जब आपकी लाइफ में होते हैं सो यू नो कि अच्छा यार हम लोग क्या डिस्कशन करते थे हम लोग अभी क्या डिस्कस कर रहे हैं अच्छा ये क्या मज़ा आ रहा है अच्छा ये लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं यहाँ तक देख रहे हैं अच्छा ये भी है तो ये ऐसा नहीं यार एकदम स्पून फीडिंग नहीं कर सकते mm. थोड़ा सा तो चाहिए ना थोड़ा ये कि लगे यार ऑडियंस को भी एक पावर है एक स्मार्टनेस वाली कि यार मैं सॉल्व कर सकता हूँ mm. ये ऑडियंस के दिमाग में रहता है कि यार तुम कुछ बनाओ वैसा mm. लेकिन मुझे एकदम ही ऐसा प्लेट पे सामने वैसा सा दे दिया जो तो आई थिंक दे नीड सरप्राइजेस दे नीड शॉक एलिमेंट्स एंड वो शॉकिंग एलिमेंट्स आई थिंक कई बार मिसिंग हो जाता है क्योंकि देयर यू नो ये ये सिर्फ सिनेमा नहीं है कोई भी चीज़ में हो सकता है कि शॉकिंग एलिमेंट लाइफ में ना हो तो फिर वो चेंज ना हो तो मज़ा कहाँ है तो आई थिंक आई थिंक वो चीज़ एक है जो जो बहुत जो लोगों को अभी चाहिए आप काम के बाहर कौन हो हुआ यू आउटसाइड ऑफ द फिल्म वैलकुलेटव हो या आप बिल्कुल चिलर हो या आप अंदर ही अंदर चिलर हो जो अभी के लिए कैलकुलेटिव है नहीं यार मैं तो मतलब मैं मैं एक्चुअली बहुत चिल करता हूँ मैं इतना कुछ मैं वर्क को लेकर बहुत शिद्दत से काम करता हूँ तो वो अभी कैलकुलेटिव नहीं कह सकता वो मैं यही कह सकता हूँ कि बहुत शिद्दत है मेरे में काम के प्रति हमेशा काम के बारे में सोचते बहुत बहुत टाइम मेरा फ्री मेरा हाँ फ्री टाइम फ्री टाइम पे भी मेरा दिमाग छोड़ता नहीं है काम वो एक है मेरा प्रॉब्लम कि मेरे मुझे एक वो लाइफ बैलेंस चाहिए कि जिसमें मैं एक एक टाइम फ्री टाइम निकाल पाऊं और मैं ना सोचू काम के बारे में लेकिन वो होता ही नहीं है वो ऐसा लगता है यार ये भी काम है ये भी काम है ये करता हूँ ये करता हूँ ये करता हूँ वो एक चीज है आई नीड टू गो देर वेर आई फील लाइक जहाँ पे मैं फॉरेस्ट बेदिंग कर पाऊँ तुम्हारी <laughs> आ जाओ साथ में करते हैं फॉरेस्ट बेदिंग आपका चेहरा बहुत क्यूट है तो क्यूट चेहरा देखकर ना जाती है दिमाग में आई <laughs> विश uh, माधवन का पॉडकास्ट देखा हमने बहुत डीप था इट वॉज अबाउट बींग ऐसे ही कुछ होगा पर हम मैन मैन ये ठीक है हाँ फिर नहीं आप कह रहे थे कि वही कि यूर टू ट्यून्ड इन आई एम टू ट्यून्ड इन जोन इन टू माई वर्क आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि uh, वो एक बैलेंस लाना है और वो मिसिंग है वो शायद मैं ले आऊंगा लेकिन पता नहीं कब आपके hmm. दिल को क्या चाहिए दिल को दिमाग को सक्सेस चाहिए राइट right? हाँ दिमाग को मोर फेम मोर हिट्स बेटर वर्क हाँ पर अंदर ही अंदर आपके दिल को क्या चाहिए फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ टू टू टॉकिंग विन वी कैन टॉक एज टू मैन और टू बॉयज करेक्ट इज द बॉइज हा यू वॉइंस मैं तो प्ले स्टेशन खेलना चाहता हूँ <laughs> <खिलना> <laughs> बहुत ज्यादा सक्सेस के बाद फ्री टाइम ये आप चाहते हो पता नहीं एक्चुअली मैं नहीं फ्री टाइम मुझे एकदम वो कर देता है ऑफ कर देता है हाँ दिमाग ही मेरा चलना बंद हो जाता है कि मुझे कुछ मुझे हमेशा कुछ काम करते रहना वाकोहलिक का एकदम टेनिक्स हूँ सो मुझे एक्चुअली लगता है कि मैं काम करता रहूँ आई यूर हाँ हाँ हंड्रेड परसेंट थोड़ी हंड्रेड परसेंट स्पेशली आफ्टर दिस फिल्म आई आई एम एम रियली लाइक मुझे लगता है कि चंदू चैम्पियन के बाद तो मेरा उस मामले में कि यार मुझे एक अपॉर्चुनिटी वैसी मिली जो मैं बहुत टाइम तक चाहता था वो मुझे एक्चुअली लगा कि इस इस फिल्म ने मुझे वो सेटिस्फैक्शन बहुत दिया uh, तो पिछले दो साल में एक डेढ़ साल इस फिल्म की मेकिंग में गया एंड उसकी मेकिंग के प्रोसेस के थ्रू आई थिंक ये ये बहुत बड़ा एक चेंज आया दिमाग में एक सेटिस्फैक्शन है कि एक फिल्म मैंने उस हिसाब की की है शायद आपके दिल को बस चैलेंज चाहिए था शायद हाँ चैलेंज चाहिए था, था। okay. रिटायरमेंट लोगे कि बहुत दूर है <laughs> बुढ़ापे पहले तो तू मौत तक पहुंच जाता था अभी तो बुढ़ापे तक आया <laughs> <है। laughs> वो सोच रहा हूं मौत के बारे में सोच हूं पहले सोच तो आपके पहले ही एक मंग आए थे शो पर आज एंड यही बातें हुई थी कि लाइक शुड हैव मोर कॉन्वर्सेशन अबाउट डेथ बट इट्स नॉट फॉर एवरी वन क्योंकि हर हफ्ते हम छह पॉडकास्ट रिकॉर्ड करते हैं तो तू छओ से पूछता है कि मौत के बारे में सोचते नहीं पर उन छह में से एटलीस्ट दो हमेशा स्पिरिचुअल होते हैं स्पिरिचुअल पॉडकास्ट होते हैं तो दिस ऑलवेज डेथ का एंगल देखो माई गेज ऑफ सक्सेस इज पीस ऑफ माइंड करेक्ट एट दिस पॉइंट उन मंक्स में ही सबसे ज्यादा पीस ऑफ माइंड होता है मेरे लिए ना वो सबसे सक्सेसफुल लोग हैं फॉर मी हर किसी लिए अलग हो सकता है तो हर हफ्ते कितने मंक्स आते हैं एक दो आ ही जाता है तो, तो, तो वो मौत के बारे में सोचते वो एनकरेज करते हैं ऐसे कॉन्वर्जेशन कि जो भी आप डेली लाइफ में कर रहे हो एक बार पॉज करके ये खुद से पूछो कि आप ये सब क्यों कर रहे हो इतनी मेहनत इज इट बिकॉज ऑफ चाइल्ड हुड कंडीशनिंग कि बचपन में कुछ सपने देखे थे उन सपनों के लिए या टीन में कुछ हुआ आपके साथ उसे ओवर कॉम्पेंसेट करने के लिए या और कुछ ही है बट ये है दिस इज द ट्रूथ एंड आई आई पर्सनली फील कि लोग ये वाला पॉडकास्ट इसलिए देखते हैं क्योंकि हर किसी को आजकल सेलिब्रिटीज की एकदम डेप्थ वाली साइड देखनी है दैट्स आई फील एक जब हमने दो साल पहले रिकॉर्ड किया था दे जस्ट वॉन्टेड टू सी यू एज अ फ्रेंड आई फील कि अब सेलिब्रिटीज भी बहुत ज्यादा ना ओवर एक्सपोज हो चुके हैं हाँ वो तो हो चुके हैं लेकिन एक सिंपल बात है कि इस प्रोफेशन में फॉर एग्जाम्पल मैं एक्टिंग की बात करू ये एक सिंपल सी बात है ना ये तो पता ही है कि हमें यहाँ कोई फिनिश लाइन नहीं है यहाँ आप बस जाते जा रहे हो जाते जा रहे हो एक सक्सेस मिल गई सक्सेस फेम उसका कोई एंड नहीं है वो बस वो तो आप चलते जा रहे हो करेक्ट तो आप जब सक्सेसफुल होते हो और फेम आपके पास आ जाती है और आपने एक क्रिएटिव सेटिसफैक्शन आपको मिल जाता है चलो तीनों चीज़ें फेम मनी क्रिएटिवली या सैटिस्फाइड आपकी लाइफ से यू टेंड टू फाइंड मोर थिंग्स इन लाइफ ना यू टेंट टू फाइंड मोर बिकॉज देर देन यू फील कि यहाँ तो मैं पहुँच गया अब अब इसके बाद क्या है मुझे नहीं पता मैं अभी कहाँ तक पहुँचा हूँ मुझे और भी चीज़ें अचीव करनी है चलो थैंकफुली लेकिन एक पॉइंट के बाद मुझे वो चीज़ लगती है कि यार इसके बाद मैं क्या करना चाहता हूँ लाइफ में ठीक है ना पैसा खाऊंगा थोड़ी ना स्टार्डम के अलावा आप कह रहा हूँ स्टारडम के अलावा स्टार्डम है स्टार्डम नहीं है ये ठीक है एक एक लेवल तक ही होता है ना आपके साथ आज हज़ार फोटो खिंचा रहे हैं कल दस हज़ार खिंचा रहे हैं परसों एक लाख और कितना होगा इवेंचुअली कितना हो जाएगा लेकिन एक फीलिंग आती है कि आप उसके बाद क्या करना चाहते हो लाइफ में तो ऑफ़कोर्स वो जो बात कह रहे हैं वो मैं समझ सकता हूँ उस बात को uh, कि यू फील दैट देर इज़ अनदर पर्पज समटाइम्स hmm. बट उसके उससे मौत का क्या लेना देना है वो मुझे नहीं समझ आ रहा ओ, एक, एक लाइन में हाँ. ये मंग नहीं कहा था मुझे आ, मौत एक परीक्षा और जिंदगी आपकी पढ़ाई होती है उसी परीक्षा के लिए डेथ इज द एग्जाम लाइफ इज द प्रेपरेशन ओके अब अब रीबर्थ रीबर्थ में बिलीव करते हो नहीं कभी सोचा है इसके बारे में सोचा है कि मतलब ओके फिल्में फिल्में करूंगा उस पर एक रैंडम अनरिलेटेड फिल्मी चीज कह दो हाँ आई एक्चुअली हैव अ फीलिंग कि बहुत सारी स्पिरिचुअल फिल्में निकलेंगी अब इंडिया से एंड दैट्स गोइंग टू बी द नेक्स्ट वेव अच्छा या और ये मैं डेटा बैक्ड चीज कह रहा

कि डीपर मीनिंग्स ऑफ लाइफ ये वो आई थिंक दैट्स वॉट इज गोइंग टू स्टार्ट एक वेव तो आने वाला है डेफिनेटली जैसे फॉर एग्जाम्पल कौन सी फिल्म है स्पिरिचुअल थोड़ी सी ओ एम जी टू गॉड, हाँ टचिंग द कॉन्सेप्ट ये मैं एक रिलीजियस एंगल से नहीं किया दुनिया तो भी आई थी। हाँ, इंडिया को उसी नजरिए से देख रही है अच्छा ये बस हो सकता है और ये मैंने नौ साल के सफर में देखा है कि जो चीजें youtube में होती है ना uh, as in this, the the वीडियोस और कॉन्सेप्ट्स व्हिच गिव अस हिट्स वो फिल्म वर्ल्ड में भी अप्लाई होते हैं एक साल बाद दो साल बाद फॉर एग्जांपल ये डार्क uh, उसके पहले इंस्पिरेशन वाज अ वेरी लॉन्ग थिंक तो youtube में 2015 में इंस्पिरेशनल वीडियोस बहुत चलते थे फिर 15 टू ट्वेंटी को तक ये सारे यू नो रियल इंस्पिरेशनल स्टोरीज बहुत ज्यादा चलने लगे कोविड के दौरान हर कोई बहुत सैड uh, हो गया इन सम वेज एंगर था इट हेल्प डार्क कॉन्टेंट अलॉट इट हेल्प लिटिल लार्जर देन लाइफ कॉन्टेंट सुपर दैट वॉज माई एंगल फॉर अप टिल ट्वेंटी ट्वेंटी फोर अब लोग बहुत स्मार्ट बन चुके हैं आई थिंक पीपल हैव ऑल्सो स्टार्टेड अर्निंग मो मनी और उस ज्यादा पैसे की वजह से ना कि डीपर चीजों के बारे में सोच रहे ये आई ऑल्सो सेंस लाइक बेस्ड ऑन माई फिल्म डायरेक्टर फ्रेंड्स की फिल्म डायरेक्टर्स भी बहुत खुश हैं इस बात को लेकर क्योंकि दे कैन गो डीपर विदर क्राफ्ट विच देज वॉन्टेड टू एंड आई फील द गाइज हु नाउ एम्बरेस वो स्पिरिचुअल सिनेमा विल ग्रो अलॉट करेट करेक्ट करेट मेक सेंस डोन्ट माइंड मी गोइंगट मोनोलॉग नहीं नहीं अब के, अब तो okay. खत्म हो गया <laughs> माइंड करना पहले पूछना था ना टिकलिश <laughs> बहुत ज्यादा अलग अलग जगह पे टिकल फील कर रहा हूँ मैं <laughs> शब्द भी टिकल कर लेता आपको है क्या भी? शब्द 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 भी टिकल कर लेता हाँ टिकल कर लेते ले हैं शब्द भी टिकल कर शब्द टिकल कर लेते हैं वाक्य टिकल शब्द भी टिकल कर लेते टिकल हो जा Okay. वाइब से भी टिकल हो जाए और कुछ बचा है टिकल करने को मेरे लिए सिंगल हो पूरी तरह से सिंगल हूँ टिकल तू मत करना <laughs> नहीं 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 मैं सिंगल हूं <laughs> <laughs> मुझे तो बच्चे चाहिए यूट्यूब नेपोटिज्म करने के लिए <laughs> अच्छा <laughs> बच्चे चाहिए मुझे आई थिंक लास्ट में बच्चों की सिंगल नहीं है नहीं अब नहीं हूँ अब नहीं हूँ

जिसके साथ मैं ये ये भूतों की एलियन oh, की काला जादू की sorry, सब की बातें करूं। I'm taken, I'm taken. नहीं <laughs> <भाई> चाहिए भाई। <laughs> ब, बच्चे चाहिए वैसे? नहीं सोचा नहीं सोचा नहीं, नहीं सोचा, नहीं Actually एक, एक, नहीं सोचा। फैमिली लाइफ चाहिए और डिपेंड्स डिपेंड्स कि यार पार्टनर लाइफ में मिलेगा उनसे उन, उनका क्या दिमाग है आई थिंक इट्स 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 मतलब ये दोनों का एक वो होना चाहिए म्यूचुअल डिसीजन होना चाहिए लाइफ में वो मुझे बहुत ज़रूरी लगता है तो मेरा ऐसा कोई थॉट प्रोसेस उस चीज़ में नहीं है क्योंकि जैसे मैंने बोला मैं इतना वर्कोहलिक हो चुका हूँ कि मेरा ध्यान अभी कहीं रिलेशनशिप में या लेट uh, अलोन बच्चे पैदा करने में तो नहीं जा रहा है सो so, वो कल का कल सोचा जाएगा डिपेंड्स आई लव आई लव बींग अ पार्ट ऑफ माई फैमिली जैसे मैं फैमिली के साथ रहता हूँ तो मुझे वो अच्छा लगता है जाऊंगा या फैमिली बनेगी तो it's, it's is, uh, कौन आपके? Like मेरे कॉलेज के दोस्त हैं काफी इंजीनियरिंग के इंजीनियरिंग के टाइम के और कॉलेज के डी बाई पाटिल के दोस्त हैं मेरे स्कूल के दोस्त हैं uh, यहाँ पे भी कुछ एक दो दोस्त मेरे जो Uh, not like industry, industry, but yeah, uh, अगर कुछ क्रेजी हुआ लाइफ में लाइक like गुड या क्रेजी बैड hmm. तो फैमिली के अलावा आप किसे कॉल कर दो तीन चार दोस्त हैं उन्हें फोन करता हूँ इंडस्ट्री में नॉट एक्टली इंडस्ट्री सॉर्ट ऑफ और सॉर्ट ऑफ नॉट आल्सो ट्राइंग फॉर द इंडस्ट्री हाँ इंडस्ट्री में बेस्ट फ्रेंड कौन है इंडस्ट्री में hmm. नहीं कोई नहीं इंडस्ट्री से बेस्ट फ्रेंड कोई नहीं है प्रोफेशनल रिलेशनशिप से जितने लोग कहते हैं जितने लोग नहीं कहते लोगों के दिमाग में क्या जाता है एक क्या होता है ना जब एक आध दो स्टोरीज आ जाती है ना लाइफ के बारे में आपकी तो वो कई बार ना चिपक जाती है दिमाग में और वो बस तब से लेकर आज तक वही चलती जाती है लेकिन कोई रियलाइज नहीं करता है कि टाइम कितना गुजर गया उस hmm. चीज में वो जब होता है ना तो आपको मतलब जब किसी को वो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन या रियलाइजेशन दिलाओ तो समझता है अरे यार ये तो चार साल पुरानी कहानी है कोई कोई तीन साल इतना बीत चुका है टाइम तो फिर अभी भी या ये ऐसी बात क्यों कर रहा है

फॉरेस्ट वाली बात है <laughs> मुझे लगता है कि मैं कुछ हद तक फेमस हो गया था तो मैं अगर किसी को डेट कर रहा था मैंने डेट ही नहीं किया <laughs> डेट ही नहीं किया मुझे क्यों बोलना है मैंने डेट किया okay. अभी मकलियारन के बारे में बातें करेंगे <laughs> कैसा लगता मकलियारन चलाकर काफ़ी टाइम से नहीं चलाई पढ़ी रहती है पढ़ी रहती है कैसा फील हुआ जब मकलैर मिली आउट ऑफ दिस वर्ल्ड आई थिंक बहुत 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 अच्छा लगा मुझे एक्चुअली लगा कि यार ये नहीं सोचा था इस टाइम पे अभी से हो जाएगा लाइफ में तो वो बहुत अच्छा लगा था इनफैक्ट यार जब पहली ये वाली या तो वैसा लगा था मैं साढ़े चार करोड़ की गाड़ी अंदर से कैसे होती है अजीब सा जवाब आएगा बेचारे ब्रांड वाले जाएंगे लेकिन फीलिंग आती है इट्स ऑल अबाउट द फील फीलिंग आती है कि है साढ़े चार करोड़ के अंदर आ, बैठे हो okay. मुंबई में चलाइए मुंबई में चलाइए मुंबई में चलाइए लोग घूरते हैं काफी घूरते हैं दिनोज कार्तिक दे दे कार तो अब क्या कहते हो आप ऐसे विंडो नीचे करके हे hey बेबी करते हो किसी को जब जानते हैं तो क्यों करना ओके mm. okay. लेकिन काफ़ी टाइम से चला ही नहीं है hmm. हाँ बहुत टाइम से नहीं चला है। पर थॉट्स क्या होते हैं उस गाड़ी में बैठ कर डी यू थिंक अबाउट स्ट्रगलिंग फेज एट ऑल क्यों आई I... मुझे ये होता था जब मैंने लम्बोनी खरीदी थी तब मेरे को ये मुझे बहुत ऐसे मैं बहुत ड्राइव किया उसको तो मुझे वो उसमें बहुत ऐसी फीलिंग आती थी कि यार बहुत कुछ देखा है लाइफ में बहुत कुछ देखा है यहाँ तक पहुँचना वो एक्सपीरियंसेस सारे दिमाग में आते थे वो, वो तो आई यू टू मतलब ड्राइव दैट कार अलोन एंड देन आई टू थिंक अबाउट डेज एंड स्ट्रगल एंड स्टफ लाइक दैट दैट स्ट्रगलो म्यूजिक लगा के बस अपना ड्राइव कर रहा हूँ और अकेला सोच रहा हूँ एंड आई एम फीलिंग हैप्पी अबाउट इट दैट दैट आई समथिंग इन लाइफ मम्मी को बैठाया कभी हाँ हाँ

आपको ये बताना है कि उन इमेजेस के दौरान आप थे कौन एंड अगेन अच्छा। मैं आपके साथ बहुत ज्यादा बक कर रहा बट एक्चुअली आई रिस्पेक्ट यू एज अ प्रोफेशनल टू मच लाइक फॉर वे यू आर एंड ऑल दैट आई रियली फील कि इस राउंड की वजह से बहुत लोग जो राइज कर रहे हैं दुनिया में वो बहुत कुछ सीखेंगे पर एकदम खुल के बताओ कि अगर आपके कुछ नेगेटिव ट्रेड्स भी थे उस फेज में okay, तो okay, वो कौन okay, से नेगेटिव ट्रेड्स थे या गो टू ये कौन है ये पीछे तो अमीबा लिखा हुआ है मैं अमीबा ही दिखता था तब <laughs> अब की एज <laughs> क्या है यहाँ यहाँ पे मैं हूँ शायद से उन्नीस साल का उन्नीस या अठारह साल का हूँ हाँ। और इस टाइम यही बोलू मैं बोलो ताँग? बोलो आई थिंक मैं यहाँ पे ये ये मेरा कॉलेज का फर्स्ट ईयर ही है शायद इंजीनियरिंग हाँ हाँ इंजीनियरिंग कॉलेज और दोस्तों ने फोटो खींची है तो मैं ऐसी, ऐसी था था, तो ऐसे ही ऐसे ही था तब ऐसे घूमता रहता था सोचते थे मकलैर के बारे में सोचता था हैं लम्बोगी के बारे में सोचता था वो तो मेरी ड्रीम कार थी तो वो तो मैं तब भी सोचता था तब तो मेरे पास मैं उधारी में जी रहा था, था। तब तो ये तो उधारी के पैसों से घूमते थे हम लोग तो वो था ये टाइम तब तो मेरे पास कोई फिल्म ये नहीं था और मेरे को एक्टर था रहा था श्योर एट नाइनटीन Yeah, uh, तो, <laughs> 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 <At 16, laughs> सोलह ही होगा मैं, मैं मैंने बस रियलाइज किया मैं बहुत फिल्में देखता था बचपन से और मेरे फैमिली में भी फिल्में देखने का शौक था सबको तो वो जब देखता था तो तब एक अचानक से पता नहीं ये चला कि ये ये भी तो प्रोफेशन होता है कोई आ, और कभी ऐसे सोचा नहीं था कि प्रोफेशन की तरह नहीं सोचते थे कई बार मूवीज़ देखते थे बचपन में तो, तो लगता था मूवीज़ तो मूवीज़ है उसमें क्या होता है वो कोई काम करता है नहीं करता है ये कभी इसके आगे पीछे सोचा ही नहीं था तो जब मैं आई थिंक टेंथ स्टैंडर्ड नाइन्थ स्टैंडर्ड में था तब मेरे दिमाग में आया क्या बनना है बहुत सवाल होते थे तो फिर ऐसे ही शायद से फिल्में देखता रहता था तो तब रियलाइज किया यार ये ये भी तो कर सकते हैं दैट्स हाउ इट जस्ट स्टार्टेड दैट्स हाउ इट जस्ट या तो वो मुझे एक्चुअली लगता है इसके जस्ट थोड़ा पहले कोई ऐसी फिल्म थी जिसे देखकर कुछ स्विच हुआ अ uh, बाजीगर एक ऐसी फिल्म थी क्यों hmm. पता नहीं अच्छी लगी थी hmm, काफी अच्छी लगी थी समथिंग अबाउट शाहरुखस इंटेंसिटी या मे बी बहुत छोटा था मेरे को नहीं पता मतलब क्या चीज ट्रिगर की कोई क्या हुआ लेकिन यार अ स्वया बट बट आई है डिसाइडेड व्हेन आई वाज इन ग्वालियर कि मुझे एक्टर बनना ओके हां कूल नेक्स्ट फोटो ये तो क्या करो यहाँ सीख रहो चीजें मैं <laughs> गुस्से से देख रहा हूँ या क्या है समझ नहीं आ <laughs> रहा क्या हो रहा है ये आई थिंक कुछ ट्रेलर की कोई फोटो है या किसी इवेंट की फोटो है कोई है। प्यार ये प्यार का पंचनामा म्यूजिक लॉन्च वो ही है कुछ शायद ऐसी कुछ होगा इसके इसके आई थिंक इसके अराउंड है उसी टाइम के अराउंड है और आ, मुझे लगता है मैं लाइफ में अभी शायद से मैं बहुत बहुत ज़्यादा स्केरी सिचुएशन में था जहाँ मेरे पास एकदम ही मैं एक्टर बन गया था पिक्चर आ गई थी शायद और आ, फिल्में नहीं थी और पिक्चर चल भी गई थी लेकिन फिल्में नहीं थी पैसे और पैसे नहीं थे पैसों की टेंशन थी बहुत ज्यादा एज क्या थी आपकी ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी थ्री गुस्सा भी दिख रहा है मुझे अब ये जो हो गया। जो आपके चेहरे की नूर है अब वो यहाँ नहीं है नहीं वो कभी कभी शायद अभी नूर मुझे नहीं पता उस टाइम <laughs> उस वक्त कोई और मोमेंट में देखा होता तो नूर दिख जाती दुए आई थिंक और वाइज और तो ग्लो कर रहा है आई थिंक या मे बी उस टाइम बहुत स्ट्रेस में होगा भैया बिकॉज़ पैसे कहाँ से आएंगे हां वही पैसे कहाँ से है वही वही वही, वही थॉट कहाँ से आए फिर पैसे मेहनत और लगन से सेल्फ बिलीफ और हार्ड वर्क से फिल्में आ गई फिल्में आई आई थिंक मना कर कर के मुझे एक्चुअली लगता है कि इतनी सारी फिल्मों को आ, मैंने अपने ख़राब टाइम में मना किया था जब मेरे पास लिटरली कोई फिल्म नहीं थी तब मैं बहुत ज़्यादा तब भी अपनी गट फीलिंग पर जाता था आ, और इतने सारे कुछ ऑप्शन नहीं मतलब एक आया दो आया बंद ख़त्म कर लेकिन मेरे पास पैसा आ सकता था उसकी वजह से लेकिन वो मैंने ऑफर्स नहीं लिए कभी कुछ रोल्स भी ऐसे आते थे किसी के भाई का किसी के दोस्त का ये भी आते थे इवन आफ्टर दीज फिल्म रिलीज एंड विथ गुड मनी सो वो भी नहीं किया सो आई थिंक वो समाओ कई बार वो डिसीजन खुद पे सेल्फ बिलीफ एक रखा कि नहीं यार मैं खुद की फिल्में करना चाहता हूँ एंड जस्ट पेड ऑफ़ वेन सोनू रिलीज इफ यू डोंट माइंड मी आस्किंग दिस सबसे बड़ा पे चेक आपको कौन से फिल्म के मिला है सबसे बड़ा पे चेक अब तो आई थिंक नाउ मेरी अगली फिल्म जो अब है जो भूल रहे थ्री एंड यू आर पेड बेस्ड ऑन योर योर ट्रैक रिकॉर्ड टेक्निकली इन इंडस्ट्री राइट या की आर यू गुड फॉर बिजनेस मेरा ओपनिंग नंबर क्या जा रहा है मेरा सैटेलाइट मेरा डिजिटल राइट कितने में जा रहा है फलाने एक्टर का कितने में जा रहा है इट्स ऑन दैट बेसिस हाउ डू यू फील अबाउट दैट कॉन्फिडेंट

So, ये uh, मैंने ये कहाँ से अच्छा ये मैं हाँ ये मैंने फोटो अपने एज अ पोर्टफोलियो की तरह यूज करने के लिए hmm. ये ये फोटो ऐसे वन ऑफ द फोटोज थी डिड इट वर्क इट डिड है मैंने ये आई थिंक प्यार का बचनामा के लिए भी दी थी यही फोटो कॉन्फिडेंस तो था हाँ अभी शर्ट एक ही बटन एक <laughs> लगा हुआ है तो कॉन्फिडेंस तो था ही, इतना गुड <laughs> हाँ ये लेके घूम रहा था बट yeah, उस उस जमाने में लोगों में इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता आई फील कि जेनजी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट yeah, है एज कम्पेयर टू बॉर्डर बट यहाँ यू आर वे मोर कॉन्फिडेंट देन मोस्ट गाइज फ्रॉम दैट कॉल्स कास्टिंग ओके और कोई फोटो है ये <laughs> 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 <चक्दे>! <laughs> <Imagine>. <laughs> देख फोटो बॉम्बर इसमें भी फोटो बॉम्ब हो रहा है दिस वाज अगेन मैं कॉलेज में था और <laughs> ये मैंने डाली भी हुई थी ये फोटो ये इमेजिन uh, ये मैं चक दे बहुत बड़ी फिल्म hmm. थी मेरे लिए ऐसा था कि अरे ये यू नो चक दे गर्ल सागरिका का ये ये यहाँ पे आई थी मैराथन की फोटो है ग्वालियर में नहीं नहीं ये मुंबई में हुई थी ओके ओके okay, okay. तो मैं नवी मुंबई में, में मेरा कॉलेज था तो ये आई थिंक मुंबई में था ये, ये मैराथन था उसमें ये भाग रही थी तो भाग भाग के मैं फोटो <laughs> फोटो लिया लाइक अ फैन प्रॉपर क्यूर यार ये तो And. अब अभी भी खुश लग रहे हो इस हा? फोटो में खुश थे आप मेरे दांत ज्यादा दिख रहे हैं <laughs> अभी मैं खुश हो ना हूं दांत ज्यादा दिखते हैं आपकी रहने की कंडीशन आप क्या खाते थे उसके बारे में भी कुछ बताओ इस फेज तो यहाँ पे इस टाइम पे जेन्य <laughs> क्या बोलूँ ये ये फेज में मेरे पास बिल्कुल मैं इस टाइम ऑडिशंस के लिए जाता रहता था थोड़े थोड़े और इस टाइम में वो मेरे मम्मी पापा को पता भी नहीं था बिल्कुल ग्वालियर में सो दैट्स वन आई यूज टू ये पूरा और मैं उनसे खर्चे करवा नहीं सकता था बिकॉज हमारे एजुकेशनल लोन जो रखे था और चीज़ें थी वो डेट्स पे थे अपने सो आई कूडेंट मैं उनसे ये लाइफ नहीं मांग सकता था कि मुंबई में मेरे ऊपर एक मैं उनके ऊपर एक बर्डन बनूँ तो इस टाइम मेरे बहुत हालत ख़राब थी इस टाइम मैं बहुत उधारी वाली लाइफ पे रहता था दोस्तों के ऊपर डिपेंडेंट रहता था और और हाँ बट आई 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 स्टिल मतलब मेरा ऐसा नहीं है कि वो बेचारे की हाँ, और ऐसा सेल्फ तल, पिटी हाँ वो सब नहीं है मेरे को वो मैं इन्जॉय करता था वो लाइफ की मतलब मैं मैं हमेशा अपना जितना मेरा वो कहते ना वो चद्दर उतनी मतलब पैर उतने ही फैलाओ जितनी चद्दर जितने मैं आ जाए मैं उससे हमेशा आगे ही फैलाता था तो, तो, तो तब भी मैं हो जाता था मेरा कुछ ना कुछ करके Uh, मैं अगले महीना लौटा दूँगा अगले हफ्ते लौटा दूँगा वैसे कर कर आके इससे लिया उससे किया इससे लिया उससे इस पर किन चीज़ों पर खर्चा करता था और uh, मेरे ट्रैवल पे खाने पे कुछ कुछ अगर uh, कोई ऑडिशन पे जाना है तो वो ऐसा नहीं है कि में को मेरे को जाना पड़ता था फ्रॉम नवी मुंबई टू तो मुंबई मैं वहाँ रहता था नवी तो, मुंबई टू तो वडाला वडाला टू तो अंधेरी अंधेरी correct, मेट्रो करेक्ट करेक्ट शायद मेट्रो ट्रो नहीं, नहीं थी लोकल ट्रेन थी hmm. तो उससे ट्रैवल करना होता था या कभी एक यू नो कई बार ये होता था कि नए कपड़े खरीदने पड़ गए कि कोई ऑडिशन में सही दिखना है ये है तो वो ज़रूरी होता है तो कुछ ना कुछ हो जाता है कुछ ना कुछ यू नो व्हेन यू आर ट्रैवलिंग सो मच चाहे आपका खाना हो चाहे आपका यू कान मैं हॉस्टल में रह रहा था तो हॉस्टल का तो खाना पैक करा के तो नहीं ले जाऊँगा सो फिर बाहर खाओ तो एवरी जस्ट इट एड्स अप यू नो तो वो छोटा ही छोटा छोटा खर्चा लेकिन वो मेरा बहुत हो जाता था जब आप अब... मुंबई आए तो कल्चर शॉक फील हुआ हाँ हाँ काफी, काफी हुआ काफी क्या एक आउटसाइडर के लिए ये शहर है बो, क्या? बहुत बड़ा है बहुत बड़ा शहर क्या होता है आ, मुझे पहले नहीं समझा था मैं एक्चुअली पहले आई वाज ल्यूड बाय इट। आई वाज रियली आई वॉज अमेज बाई एट तो मुझे एक्चुअली लगा था कि यार ये मतलब यहाँ पे की हाँ ये लगता है वैसा लगता है वी बिकॉज हम यहाँ पे रहते हैं तो अब मतलब मैं यहाँ पे जैसे अब रहता हूँ तो अब आई एम यूज टू इट बट मैं जेन्यूनली जब आया था तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी जगह थी सो मैं जहाँ से आता हूँ वो इट्स 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 अ नाइस प्लेस बट बट वेरी स्मॉल इट्स नॉट कि ऐसा ऐसा यू नो कि अंधेरी टू जूहू टू बैंट्रा टू वर्ली अलग टू <laughs> वो टाउन अलग तो ऐसा नहीं है यू you नो know, hmm. ये सब ऐसा है और इतनी हाई राइज बिल्डिंग्स और ये सब आ, uh, तो मॉल्स uh, बहुत बड़ी बात थी यू you नो know, वो तो वो 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 वाला वैसा वाला जोन था पर क्या फील होता है ऐसी सब चीज़ों को देखकर कर लाइक डू यू फील इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन आई एम अज्यूमिंग एम्बिशन फील होती है या डर फील होता है Like what? Like seeing, आप, आप जब पहली बार आया था हाई राइज बिल्डिंग्स देख रहे हो बड़े मॉल देख रहे हो साउथ बॉम्बे मतलब, की जनता मतलब से पहले मैं थोड़ा सा डरा भी था ऑनेस्टली स्पीकिंग देख के कि यहाँ मैं कैसे मतलब यू uh, नो uh, you know, मुझे वो वाली फीलिंग मेरे को नहीं समझा था मैं किसी को नहीं जानता था शहर में मेरा बिल्कुल ही ना के बराबर एक वो था और अब ये मेरा होम बन गया बट दैट इज समथिंग विच इज वेलकमिंग अबाउट द सिटी एंड एंड अबाउट अबाउट द पीपल ऑल्सो वो बिकॉज यहाँ पर इतने सारी जगहों से इतने सारे लोग होते हैं और सब मिल के एक चीज़ को और जो यहाँ के हैं वो भी ये सब घुल मिल के इस जगह को बनाते हैं और हर किसी को प्रोफेशनल ग्रोथ चाहिए। और ग्रोथ चाहिए सबको तो आई फील इट्स वेरी इट्स कंपेटिटिव बट इट मेक्स यू स्ट्रॉगर ऑल्सो एंड आई थिंक मैं स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ गया बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ मुंबई सिटी मुझे और उससे एक एक स्ट्रेंथ मिली और मेरे को लगा कि यार यहाँ पे तो मैं बनना चाहता हूँ कुछ और कुछ कर दिखाना चाहता हूँ इस शहर में अगर आपको सफलता चाहिए तो बदलना क्या पड़ता है आप बस uh, मुझे ऐसा लगता है वो चाहे ये शहर हो चाहे कोई हो मुझे एक्चुअली लगता है आपको डिपेंडेंसी खत्म करनी चाहिए किसी पे भी डिपेंडेंसी आप सेल्फ डिपेंडेंट रहो इनडिपेंडेंट uh, रहो आई थिंक वो वो एक चीज़ है जो बहुत जरूरी है वो आई थिंक सिखाता भी है ये ये सिखाती है इंडिपेंडेंट रहना बहुत ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट है। मेरे काफ़ी सारे ट्वेंटी एट ट्वेंटी नाइन थर्टी ईयर ओल्ड दोस्त हैं जो अभी भी एक्टिंग को क्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं बट आई सी अ डिफरेंस इन यू एंड डेम्म द डिफरेंस ऑनेस्टली इज आई

आई डोंट समू डू विथ कॉमन सेंस दैट्स एट मुझे ऐसा नहीं लगता कोई रॉकेट साइंस है स्ट्रीट स्मार्ट स्ट्रीट स्मार्टनेस एक स्ट्रीट स्मार्ट होना मुझे लगता है इन अ गुड वे लाइफ में कई बार जरूरी होता है जब तक आपने हासिल नहीं किया लाइफ में तो उसका आपको कभी एहसास भी नहीं होगा वो क्या सिखा जाती है आपको कितने साल हो चुके हैं यहाँ हाँ काफी हो गया यार अब तो मेरे को बारह हाँ बारह तेरह बारह तेरह तीन सबसे बड़ी गलतियां क्या थी यहाँ तेरह सालों में नहीं यार मुझे एक्चुअली मैं गलतियां कुछ ऐसा तीन सबसे बड़ी गलतियां को कोई चीज का रिग्रेट ही नहीं है मैं जेन्यूनली बोल दू मुझे लगता है कि हाँ ये हो सकता है ट्रस्ट करना जल्दी ट्रस्ट कर जाना ये एक चीज है उससे ज्यादा कुछ नहीं उससे ज्यादा या बिकॉज आई एम सी मेरा क्या ना हम लोग मतलब मैं जहां से हूं जैसे हम ग्वालियर मैं मतलब जल्दी घुल मिल जाता हूँ मैं बहुत जल्दी वो, वो हो जाता था पहले तो बहुत ज़्यादा मैं ओपन अप भी हो जाता था अब मैं ओपन अप नहीं होता उतना वो एक चीज़ है शायद से पहले बहुत जल्दी मैं हाँ जो मन में बोल दिया जो मन में मैं एकदम सीधा सीधा था किस फेज के बाद पंचनामा टू सोन के आई डोंट रिमेंबर इट क्लियरली आई थिंक आई थिंक फ्रॉम धीरे 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 अपने आप ही वो बढ़ता रहा कि ज़्यादा ओपन अप नहीं होना बस वैसा यू टेक टाइम टू ओपन अप देन ये है वो है अब ध्यान से रहना पड़ता है ध्यान से इन द सेंस नथिंग अनसेट चीजें होती है कई बार आपकी लाइफ में आप आप uh, किसी से खुल के बातें कर रहे हो उसका उसका ये ना हो कि आपकी नॉट uh, जस्ट खुल के बातें मतलब यू यू जस्ट डोंट यू कॉन्ट

टाइम इज़ समथिंग जिसकी वजह से बट मतलब अभी क्या है फ्रिक्वेंसी भी मैच हो जाए लेकिन क्या है ना कुछ ना कुछ करते हुए भी फिर भी मैं टाइम लेता हूँ लाइक आई वुड ने वो मतलब मैं अपने आगे से बढ़ के मैं पहले ना पहले बहुत ऐसा था कि हाँ चलो यार यहाँ ये ये मिला तो ये दोस्त बन गया वो मिला तो अब मैं दोस्त ऐसे नहीं बना रहा होता या मैं ऐसे नहीं सोच भी नहीं रहा होता कि दोस्ती करनी <laughs> ज़्यादा लोगों को दोस्ती करनी है अब हर किसी को दोस्ती करनी है

living a dream bhai <laughs> i'm living a dream why to you know regret anything about it this is what i hustled for or worked towards this is what you hustled for yeah yeah and she is touchwood the happiest so uh, this was yeah ye pehle ki photo hai kafi some wedding we were in uh, cousin's wedding and yeah bahutogi dream jiro kartik are that's all i have to say <laughs>

अब से शानपंथी सीखे आज <laughs> <laughs> चंदू <laughs> चैम्पियन जी अब रिलीज हो रही है फाडू ट्रेलर है चौदह जून को चौदह जून को रिलीज हो रही है चंदू चैंपियन फाड़ू फिल्म भी है फाड़ू फिल्म भी है जी कबीर खान फिल्म इट्स अ कबीर खान फिल्म और पूरी गारंटी है yeah. लोगों को टिकट क्यों खरीदनी चाहिए मुझे लगता है लोग टिकट अपने आप खरीदेंगे इसके बारे में जब जानेंगे जैसे जैसे चीज़ें आती जाएंगी मुझे उसके बारे में उनको कुछ ऐसा कुछ यू डोंट नीड टू सेल इट आई डोंट नीड टू सेल इट आई हैव इट फिल्टल वर्किंग ऑन इट वी ऑल ऑल द मेम्बर्स ऑफ द टीम हैव फिल्ट दोज वो हैव सीन द फिल्म आई थिंक सबका एक एक रिएक्शन आता है जो भी देखेगा उस फिल्म को उसके बारे में मुझे लगता है कि वो अच्छी बातें बोलेंगे एंड

वेरी ग्रेटफुल फॉर लास्ट टाइम वेरी ग्रेटफुल था आज का पॉडकास्ट डेफिनेटली कार्तिक भाई टी आर एस पर क्योंकि गोइंग कार्तिक आर्यन इज हेयर टू स्टे आई एम श्योर की इनके करियर को और भी ज्यादा ग्रोथ मिलेगी आने वाले सालों में तो ऑल द बेस्ट टू कार्तिक भाई ऑल द बेस्ट टू द होल चंदू चैंपियन टीम आप लोग डेफिनेटली चंदू चैंपियन देखने जाइए सिनेमा हॉल में और टी आर एस को भी सपोर्ट करते रहिए सब्सक्राइब टू रणवीर और कीप वॉचिंग टी आर एस कीप एन्जॉइंग दिस स्पेशल फिल्म थीम्ड एपिसोड्स नास्ते जय हिंद